तो भाई ओजूम जर्मन ब्रांड लग रही है। एक कार की हेडलाइट मेरे हाथ में है। हेलो, तू है तो मुझे फॉग लाइट ऑन, हेडलाइट ऑन, हाई बीम, तो ये है भाई रिस्पांस। वेलकम बैक दोस्तों, कार म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो गाइज आज हमारे पास अर्टिगा की हेडलाइट है जिसके अंदर DRL फिट की जा रही है, साथ ही साथ इसके अंदर फॉग लाइट में प्रोजेक्टर भी अपग्रेड किए गए हैं। किस कंपनी के प्रोजेक्टर लगे हैं, कौन सी कंपनी की DRL फिट हुई है और लाइट में अगर बात करें तो LED किस कंपनी की लग रही है, उसका कंप्लीट रिव्यू आज के वीडियो में दिखाएंगे। और आज का जो मॉडिफिकेशन है वो हो रहा है कार स्टाइल्स हैदराबाद में। अगर बात करें कार स्टाइल्स की तो यहाँ पे अर्टिगा के बहुत सारे वीडियोज हमने डाले हैं जिसमें वन बाई वन अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट हमने अर्टिगा का मॉडिफिकेशन कवर किया है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है, मीन्स अर्टिगा के अंदर क्या कुछ कंप्लीट मॉडिफिकेशन हुआ है, तो हम जल्द ही कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो भी लेके आ रहे हैं। कार क्विज भी किया था, बहुत सारी रील्स हमने डाली थी फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, जिसमें हमने पूछा था बताओ ये हेडलाइट देख के कौन सी कार है, तो भाई ये अर्टिगा कार है। इस पर बहुत सारी रील्स पे कमेंट भी आपने किया, बहुत प्यार जताया, सो थैंक यू सो मच। बाकी अभी देखते हैं क्या कुछ फिटिंग हो रही है DRL की और कौन सी LED लगेगी, क्या प्रोजेक्टर्स लगेंगे, सब कुछ चेकआउट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा है DRL के लिए और ये DRL फिट होगी इसके अंदर। काफ़ी प्रोफेशनल DRL फिटमेंट है ये, यहाँ पे कोई वायर भी कट नहीं होगा, प्रॉपर ये DRL फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरीके से हेडलाइट को बाहर निकाला जाएगा, फिर ये हीट गन का यूज़ कर रहे हैं जिससे कि हेडलाइट बाहर आए और ये प्रॉपर OEM टाइप फिटमेंट हो जाए। तो DRL अभी फिट होगी, फिर हम इसका रिस्पॉन्स भी देखेंगे, तब तक हम प्रोजेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोजेक्टर की बात करें तो भाई ओजूम के प्रोजेक्टर लग चुके हैं अर्टिगा के अंदर। आप फिटमेंट देखेंगे तो भाई प्रॉपर फिटमेंट है, कहीं से भी कोई गैप नहीं दिखता। सबसे बड़ी खासियत कि इसकी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑसम रहने वाली है, अनलिमिटेड ब्राइटनेस। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्टर की लाइट का जो रिस्पॉन्स है पूरी इंडिया बहुत ज़्यादा पसंद करती है, 80% अप एक्स्ट्रा ब्राइटनेस इसके अंदर आपको मिल जाती है और मॉडल नंबर भी आप देख सकते हैं। तो अभी भाई हेडलाइट को खोल के इसके अंदर DRL फिट कर दी गई है, आप देखिए फिटमेंट इसके अंदर प्रॉपर हेडलाइट का ये लेंस निकाला जाता है हीट गन के थ्रू, मैंने आपको दिखाया भी था। तो इसमें प्रॉपर ये इंस्टॉलेशन होती है, इसके बाद कैसा लुक लगेगा नाइट में, क्या रिव्यू रहेगा इसका और इसके अंदर LED कौन सी डाली जाएंगी, वो सब कुछ मैं अभी कवर करके आपको दिखाता हूँ। तो अभी फिर से भाई हेडलाइट इंस्टॉल कर दी गई है, DRL का फिटमेंट आप चेकआउट कर सकते हैं, प्रॉपर हो चुकी है DRL फिट। अगर बात करें हेडलाइट की तो हेडलाइट को भी इन्होंने प्रॉपर फिक्स किया है, तो कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ खुला हुआ रह गया हो, ओपन नहीं लगेगा। बाकी ये हेडलाइट ओपन की जाती है तभी ये DRL प्रॉपर फिट होती है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो जब भी हेडलाइट खुले तो भाई डरना मत, क्योंकि हेडलाइट खोल के ही ये लोग लगाते हैं, प्रॉपर फिटमेंट रहता है, साथ साथ वारंटी भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी रिस्पॉन्स देखेंगे रात को। तो भाई ओजूम जर्मन ब्रांड लग रही है अर्टिगा के अंदर, 150 वॉट। और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए ये है एक मॉडल, तो दो LED इंस्टॉल हो रही हैं इसके अंदर, हाई और लो बीम अलग अलग होते हैं, तो इसके अंदर दो पेयर लगेंगे और ये है प्रोजेक्टर, ये भी लगेंगे। तो भाई लाइट के रिस्पॉन्स के लिए सीधा चलते हैं अभी अर्टिगा में। तो भाई ओजूम की लाइट फिट हो चुकी है, आप देखेंगे यहाँ पे प्लग एंड प्ले वायरिंग है, तो कोई इशू नहीं है भाई, जस्ट प्लग एंड प्ले वायरिंग के साथ ओजूम की लाइट लग चुकी है, आप देख लीजिए ये। अंजय जी H4 लगी है H7? इसमें 905 है और H11 और 905 दो पेयर लगे हैं भाई, देखो आप प्रॉपर यहाँ पे इनसाइड ये बल्ब रिमूव करके ये लगा रहे हैं। तो अभी प्रॉपर लगने के बाद फिर हम करेंगे इसकी लाइट की टेस्टिंग। अभी लाइट के रिस्पांस के लिए चलते हैं थोड़ा डार्क जगह और रोड का भी चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप से इसका जो रिव्यू है वो करते हैं। अभी कार के अंदर हैं और मैं फॉग लाइट ऑन करता हूँ, ये है फॉग लाइट का रिस्पॉन्स, ये है आपकी हेडलाइट का और ये है अपर डिपर, ये देखो अपर डिपर अपर डिपर अपर डिपर। अभी ओजूम का जो प्रोजेक्टर है वो स्टार्ट किया है, उसके बाद हेडलाइट और ये देखो अपर, ये लो, लो बीम, हाई बीम, हाई बीम, लो बीम और ये आपका प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर, लो बीम, हाई बीम, प्रोजेक्टर, लो बीम, हाई बीम। तो भाई अभी हम चेक कर रहे हैं DRL स्टार्ट, तो ये देखिए DRL का रिस्पॉन्स, वाइट, येलो एंड ये
सो इंडिकेटर आप देखेंगे तो नो डाउट इंडिकेटर की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये तो भाई DRL की जो फिटिंग थी वो प्रॉपर हुई है अर्टिगा के अंदर, हमने इसका रिस्पांस भी दिखाया आपको कैसे ये काम करता है। और फिटिंग की बात करें तो भाई हेडलाइट ओपन करके ये लोग इसमें फिट करते हैं, उसमें आपको वारंटी भी मिलती है। कहीं ना कहीं जो वायरिंग का इशू रहता है वो मैं आपको बता दूँ, वायरिंग कट नहीं होती। अब आप देखेंगे फॉग लैम्प का जो वेजल है वो आप देखिए प्रॉपर OEM टाइप है, कहीं से कोई गैप नहीं है। और रिस्पांस की बात करें तो इसका रिस्पांस भी मैंने आपको चेकआउट करा दिया है। अब बात करें अगर लाइट की रिस्पांस की तो भाई फॉग लैम्प पे भी आप गाड़ी चला सकते हैं, क्योंकि ओजूम के ये जो फॉग लैम्प हैं, ये जो प्रोजेक्टर है, ये बहुत ही ब्राइट होता है। तो आप आराम से हेडलाइट ऑफ करके भी गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन ये रिस्क मत लेना, आप हेडलाइट भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपने दो LED हेडलाइट के अंदर भी डाली हैं। कुल मिला के अगर लाइट रिस्पॉन्स की बात करें तो OEM जो लाइट होती है, कंपनी फिटेड जो बल्ब लग के आते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है। और वाइट LED का जो रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप भी परेशान हैं लाइट के रिस्पॉन्स से तो कोई भी कार लेके आप कार स्टाइल्स पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंग टू कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, जो भी लेटेस्ट LED होती हैं उनका स्टॉक आपको मिल जाएगा, तो आप बेहतरीन लाइट रिस्पॉन्स पा सकते हैं अपनी किसी भी कार के अंदर। बाकी अर्टिगा की बात करें तो अर्टिगा के अंदर मॉडिफिकेशन चल रहा है, वन बाय वन हम इसको कवर भी कर रहे हैं। अर्टिगा का कंप्लीट जो वीडियो आएगा वो कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द आएगा। वन बाय वन हम कंप्लीट एक्सेसरीज कवर कर रहे हैं, पहले हम डेडिकेटेड वीडियो बना रहे हैं, जैसे कि सीट कवर का एक सेपरेट वीडियो बनाया, लाइटिंग का वीडियो आज आपने देखा, इसी तरीके से म्यूजिक में क्या क्या अपग्रेड हुआ है अर्टिगा के अंदर, वो सब कुछ कवर करके आपको कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे दिखाएंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर भी कर देना।